कालू झिंडा स्थित अटल शिक्षा कुंज में महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा प्रिया की ट्रैक्टर की चपेट में आने से निधन हो गया है। यह छात्रा विश्वविद्यालय से अपनी कक्षाएं लगाने के बाद अपने घर जा रही थी। यूनिवर्सिटी के गेट के साथ ही छात्रा के साथ यह हादसा हुआ है। पुलिस के अनुसार हरियाणा राज्य के डोना गांव की 19 वर्षीय छात्रा प्रिया बीकॉम में सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। दोपहर लगभग 2 बजे वह यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलकर बस पकड़ने जा रही थी। जैसे ही वह गेट से बाहर मुख्य मार्ग पर आई तो दूसरी ओर से तेज रफ्तार से आए एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसे रामपुर जंगी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। वहां पर तैनात चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद युवती को पोस्टमार्टम के लिए कालका अस्पताल भेज दिया गया। मौके पर मौजूद एएसपी नरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद कालका अस्पताल में छात्रा का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। यह हादसा ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से हुआ है। पुलिस ने ट्रैक्टर को सीज करने के बाद चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पंचायत के लोगों द्वारा जो यूनिवर्सिटी की पार्किंग न होने के कारण यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ियों को पार्क करने की बात कही है, उस पर भी जांच की जाएगी। उधर पंचायत के उपप्रधान राजीव नेगी ने बताया कि विश्वविद्यालय की अपनी कोई पार्किंग नहीं है, जिसके चलते यहां पर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र अपने व्हीकल सड़क पर खड़े करते हैं, जिससे सड़क पर वाहन की आवाजाही के लिए मार्ग तंग हो जाता है। इसी के चलते छात्रा दुर्घटनाग्रस्त हुई है। यहाँ पर पहले ही कई हादसे हो चुके हैं और पंचायत के द्वारा कई बार यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से इस बारे में लिखित में बात की गई है, पर यूनिवर्सिटी के लोगों की लापरवाही के चलते आज एक यूनिवर्सिटी की ही छात्रा का निधन हो गया है। ये आज ये अभी दोपहर के वक्त ये हादसा हुआ है, जिसमें एक लड़की जो अगर से न्यूज़ में पढ़ती थी, जिसकी मृत्यु हुई है, इसको एक ट्रैक्टर ने जो है वो टक्कर मार दी थी, तो उसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस जो है जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस कर रही है। और जो बात पार्किंग की जो बात आसपास के लोग या ग्रामीण बता रहे हैं, उस बारे में चर्चा करी जाएगी और वहां जाके देखेंगे क्या वहां पे इसका हल है और क्या इसमें एक इसमें इम्प्रूवमेंट करी जाए ताकि आइंदा ऐसे हादसा ना हो। उधर विश्वविद्यालय के VCR के गुप्ता ने बताया कि जल्द ही यूनिवर्सिटी में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए यहाँ एक तो पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मतलब की 2-3 घंटे यहाँ पहले एक ट्रैक्टर से बच्ची की मतलब की नीचे आई और ऑन द स्पॉट ही उसकी मृत्यु हो गई। हमने पुलिस वालों को 5-6 बार मतलब की SHO साहब को भी बोल चुके हैं कि यहाँ बंदा लगाया जाए, तो वो बोलते हैं कि अरे हमारे पास स्टाफ नहीं है। ऐसे 4-5 बार कंप्लेंट कर चुके हैं और गाड़ियां देखो आपने कैसे लगाई हुई है। ये यूनिवर्सिटी की गाड़ियां हैं क्या? ये सभी यूनिवर्सिटी की गाड़ियां हैं। पुलिस वालों को बहुत बार इन्फॉर्मेशन दी गई कि यहाँ आके लोग पटाखे बजाते हैं और ऐसा ऐसा करते हैं। इसके अलावा इस यूनिवर्सिटी के अलावा यहाँ लोकल बंदे भी रहते हैं, बहुत उनको भी बहुत दिक्कत होती है। यहाँ से बंदा क्रॉस नहीं कर सकता, बाइक क्रॉस नहीं कर सकता, यहाँ से उधर से आता है तो यहाँ तक क्रॉस नहीं कर सकता कोई भी बंदा। और 3-4 बार पुलिस वालों को भी मैसेज दिया, वो कहते हैं हमारे पास स्टाफ नहीं है, ये है वो है, ऐसा करते हैं। अग्रसेन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है सर, वहाँ गया ये डोला साइड गया, यहाँ हरियाणा है पास में ना। कॉलेज की पार्किंग मेरे को दिखाई नहीं देती, फिर ये गाड़ियाँ बाहर क्यों है अगर कॉलेज की पार्किंग है? व्यवस्था तो होनी चाहिए, तरीका पोज करो यहीं लगानी है तो तरीके से तो लगाए, 4-4 गाड़ियां लगा रखी हैं ये। और यहाँ लोकल बंदों को भी बहुत दिक्कत है। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको दुरुस्त किया जाए। आज एक दुर्घटना हुई है, भविष्य में और भी दुर्घटना हो सकती है। नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।